29 अगस्त यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। इस दिन देश के राष्ट्रपति, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे अवार्ड नॉमिनेटेड खिलाड़ियों को देते हैं। ध्यानचंद की याद में आज का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस को मनाने की शुरुआत 2012 से हुई। कोविड-19 महामारी के चलते इस साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय खेल और एडवेंचर अवार्ड्स शनिवार को वर्चुअली दिया। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले, जो अब प्रयागराज है, वहां हुआ था। उनको हॉकी का जादूगर कहने के पीछे का कारण उनका मैदान पर प्रदर्शन है। उन्होंने साल 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। इस खिलाड़ी के कामयाबी का किस्सा यहीं नहीं खत्म होता। ध्यानचंद ने अपने कैरियर में लगभग 570 गोल किए। भारत सरकार ने ध्यानचंद को 1956 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। साल 1928 में पहली बार ओलंपिक खेलने गए ध्यानचंद ने इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी हॉकी का ऐसा जादू दिखाया कि मानो विरोधी टीमें उन्हें मैदान पर देखकर ही डरने लगी। 1928 में नीदरलैंड्स में खेले गए ओलंपिक में ध्यानचंद ने 5 मैच में सबसे ज्यादा 14 गोल किए और भारत को गोल्ड मेडल जिताया। इस जीत के बाद बॉम्बे हार्बर में हजारों लोगों ने टीम का जोरदार स्वागत किया। 1928 के करिश्मे को दोहराने में ध्यानचंद को कोई भी परेशानी नहीं हुई। 1932 में लॉस एंजलिस में खेले गए ओलंपिक में जापान के खिलाफ अपने पहले ही मुकाबले को भारत ने 11-1 से जीत लिया। इतना ही नहीं, इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने यूएसए को 24-1 से हराकर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो बाद में साल 2003 में जाकर टूटा। इस ओलंपिक में एक बार फिर भारत गोल्ड मेडलिस्ट बन गया। साल था 1936। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े ध्यानचंद के लिए यह ओलंपिक सबसे ज्यादा यादगार रहने वाला था। ध्यानचंद की कप्तानी में बर्लिन पहुंची भारतीय टीम से एक बार फिर गोल्ड की उम्मीद थी। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में भी उम्मीदों पर खरी उतरी और विरोधी टीमों को पस्त करते हुए फाइनल तक पहुंची। फाइनल में भारत की भिड़ंत जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर की टीम जर्मनी से होनी थी। इस मैच को देखने के लिए खुद हिटलर भी पहुंचे थे, लेकिन हिटलर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से भारतीय टीम या ध्यानचंद के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। हालांकि इस मैच से पहले भारतीय टीम तनाव में थी, क्योंकि इससे पहले वाले मुकाबले में भारतीय टीम को जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन मैदान पर उतरने के बाद वो तनाव खुद ब खुद दूर हो गया। मैच के पहले हाफ में जर्मनी ने भारत को एक भी गोल नहीं करने दिया। इसके बाद दूसरे हाफ में भारतीय टीम ने एक के बाद एक गोल दागने शुरू किए और जर्मनी को चारों खाने चित कर दिया। हालांकि दूसरे हाफ में जर्मनी भी एक गोल दागने में सफल रहा, जो कि इस ओलंपिक में भारत के खिलाफ लगा एकमात्र गोल था। भारत ने यह मैच 8-1 से जीता। इस मैच के खत्म होने से पहले ही हिटलर ने स्टेडियम छोड़ दिया था, क्योंकि वो अपनी टीम को हारते हुए नहीं देखना चाहता था। इतना ही नहीं, कहते हैं इस मैच के दौरान हिटलर ने मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक भी चेक करने के लिए मंगवाई। बर्लिन में 1936 में हुए ओलंपिक खेलों के बाद उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर उन्हें डिनर पर आमंत्रित किया। हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से हॉकी खेलने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि उनका देश भारत है और वे उसके लिए ही खेलेंगे। ध्यानचंद ने हॉकी में एक के बाद एक कीर्तिमान जो बनाए, उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका। इस साल के खेल पुरस्कारों की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए, मरियप्पन टी पैरा एथलीट के लिए, मनिका बत्रा टेबल टेनिस के लिए, विनेश फोगाट कुश्ती के लिए, रानी रामपाल हॉकी के लिए दिया गया। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी 2020 के लिए धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के लिए, स्वर्गीय पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स के लिए, शिव सिंह मुक्केबाजी के लिए,
रोमेश पठानिया हॉकी के लिए, कृष्णन कुमार हड्डा कबड्डी के लिए, विजय भालचंद मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए, नरेश कुमार टेनिस के लिए, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती के लिए दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में 2020 के लिए जूड फेलिक्स को हॉकी के लिए, योगेश मालवीय मलखंब के लिए, जसपाल राणा निशानेबाजी के लिए, कुलदीप कुमार हुंडू वुशु के लिए, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया। अर्जुन अवार्डों की बात करें तो अर्जुन अवार्ड 2020 अतानु दास तीरंदाजी के लिए, दुती चंद एथलेटिक्स के लिए, सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी बैडमिंटन के लिए, चिराग शेट्टी बैडमिंटन, विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल, मनीष कौशिक मुक्केबाजी, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, ईशान शर्मा क्रिकेट, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, अजय आनंद सावंत घुड़सवारी, संदेश छिंगन फुटबॉल, अदिति अशोक गोल्फ, आकाशदीप सिंह हॉकी, दीपिका हॉकी, दीपक कबड्डी, सरिका सुधाकर काले खो खो, दत्तू बबन भोकोनाल रोइंग, मनु भाकर निशानेबाजी, सौरभ चौधरी निशानेबाजी, मधुरिका सुहास पाटकर टेबल टेनिस, दिविज शरण टेनिस, शिवा केशवन ल्यूज, दिव्या काकरन कुश्ती, राहुल अवारे कुश्ती, सुयश नारायण जाधव पैरा तैराकी, संदीप पैरा एथलीट, मनीष नरवाल पैरा निशानेबाजी के लिए दिया गया। ध्यानचंद अवार्ड्स 2020 कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स के लिए, जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स के लिए, प्रदीप गंधे बैडमिंटन के लिए, तृप्ति मुरगंडे बैडमिंटन के लिए, एन उषा मुक्केबाजी के लिए, लखा सिंह मुक्केबाजी के लिए, सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल के लिए, अजीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह कबड्डी, जे रंजीत कुमार पैरा एथलीट, सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, मनजीत सिंह रोइंग, सचिन नाग तैराकी, नंदन पाल टेनिस, नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती के लिए दिया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को दी गई। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।